फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ ब्रह्मकुंड राजगढ़ में आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुंड है और वहाँ पे हम लोग अभी स्नान करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग ब्रह्मकुंड में, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ हम लोग ब्रह्मकुंड में आए हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ से अंदर की ओर जाने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। और ये लोग हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो कि सेल्फी ले रहे हैं ब्रह्मकुंड के गेट के पास में। और हम लोग काफी मजा करने वाले हैं यहाँ पे ब्रह्मकुंड में। और मैं यहाँ के आसपास का लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये राजगढ़ से, बस राजगढ़ स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे है ये। आप लोग फ्रेंड्स पटना और पटना के बाद राजगढ़ आ जाओ। राजगढ़ के बाद हम ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ ब्रह्मकुंड में आकर यहाँ पे अपना स्नान ध्यान करने, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, आप घूम सकते हो वहाँ पे। और हम लोग अभी फ्रेंड्स लोग अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चले हम लोग, और हम लोग गेट से अंदर कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। चलो नहा। और अभी हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर की ओर आ गए हैं और अभी काफी अंदर जाना है। तो फ्रेंड्स लोग, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दुकान वगैरह भी लगी हुई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। ये श्री राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति ब्रह्मकुंड स्नान है यहाँ पे। हम लोग ब्रह्मकुंड द्वार के अंदर फ्रेंड्स यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और ये काफी थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रह्मकुंड क्या है। यहाँ पे आसपास देख सकते हैं पहाड़ वगैरह भी है। तो हमारे चैनल में फ्रेंड्स आप बने हुए रहिए और यहाँ पे मतलब बहुत ही मजा आने वाली है हम लोग को। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे आओ और एक बार आज के अर लुप्त उठाओ आप लोग भी। टिकट मिला नहीं, थोड़ी सी हमारी ही मतलब बकझक भी हो गई थी कुछ। चलो कोई नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक बबलू जी हैं जो टिकट काट दिए। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये हमारे बिल्कुल फ्रेंड है और हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं ऊपर ब्रह्मकुंड स्नान में। और वहाँ पे जाएंगे स्नान वगैरह करेंगे, देखते हैं उस पद क्या होता है। और यहाँ पे लिखो प्रधान कुंड गर्म कुंड ऊपर है, मतलब कि हम लोग को ऊपर जाना है। और ऊपर जैसे जाएंगे तो हम लोग को गर्म कुंड मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स सीढ़ी चढ़ रहे हैं गर्म कुंड की ओर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में पसंद आ रहा होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज भी लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश निषेध है। मतलब कि इसका लिखने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं आ सकते, सिर्फ हिंदू लोग ही इस गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ ऊपर की ओर पहुँच गए हैं और यहाँ देख सकते हैं राम सीता का मंदिर है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हम लोग को। फ्रेंड्स तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ मैं आपको गर्म कुंड के बाहर का लोकेशन दिखा रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कितना मतलब बहुत ही मजेदार जगह है। तो हम लोग तो चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग आओ, आने का रास्ता बिल्कुल, आप कहीं से भी आओ फ्रेंड्स। आप बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले आओ और पटना से आप राजगीर की ट्रेन देख लो, बस देख लो, बहुत सारी चीजें मिलती है, ट्रेन भी मिलती है, बस मिलती है आपको बिल्कुल दम सस्ता। और सस्ता उपाय है, आप यहाँ पे आओ फ्रेंड्स और यहाँ देखो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फिर चलते हैं और ऊपर ऊपर गर्म कुंड के पास जा रहे हैं। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए और आपको हम बिल्कुल दिखाते रहेंगे।
मुझे आशा है फ्रेंड कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। राजगीर, जी हाँ, राजगीर का ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छा व्यू दिखने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। वीडियो का स्किप करने का मतलब है कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजों को मिस कर दोगे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखो और बिल्कुल सही तरीके से। फ्रेंड्स, हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छा लोकेशन दिख रहा होगा, अच्छा व्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे गर्म कुंड, मार्तंडे कुंड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, ये राजगीर का मैं दिखा रहा हूँ आपको व्यू, और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो किस तरह का लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया अच्छा लोकेशन यहाँ मिल रहा है। और आप लोग यहाँ पे आओ घूमो, और ये बहुत ही मस्त जगह है यहाँ बिहार जी। तो फ्रेंड्स, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप बिहार आओ, और बिहार आने के बाद बिहार में डायरेक्ट आप पटना जंक्शन पे पहुंचो, वहां से राजगीर की ट्रेन लो, बस लो, कुछ भी लो, और आप यहां राजगीर में आ सकते हो और यहां पे आप घूम सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई है अब, और समय जो है बिल्कुल सुबह का 10:30 हो चुका है, 10:30 हो गए हैं सुबह का, और यहाँ पर का लोकेशन बहुत ही अच्छा हो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग गर्म कुंड में, ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद अभी हम लोग वो जो देख रहे हैं पहाड़, हम लोग उस पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा काफी ऊंचा में है, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़े। और कहा जाता है कि वो वहाँ जो है सप्तवर्णी गुफा है, 7 ऋषियों की जो गुफा होती है वो सप्तवर्णी गुफा, उसी पहाड़ पे। तो हम लोग फ्रेंड्स अभी उस पहाड़ पे जाने वाले हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या लोकेशन मिलता है और कैसा वहाँ का नजारा है। तो अभी हम लोग यहाँ से तो निकलने वाले हैं फ्रेंड्स, और हम लोग बस रेडी हो गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अब चलेंगे हम लोग। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है अब अभी मतलब की बहुत ही मजा किए, और अब आगे चल रहे हैं और आगे देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल हम लोग जो है आपको जैसे कि बताया कि उस गुफा पे हम लोग जाने वाले हैं, सप्तवर्णी गुफा है वो, जो फ्रेंड्स देख रहे हो आप ऊपर में, वो सप्तवर्णी गुफा है। हम लोग वहीं पे अभी एंट्री करने वाले हैं, और वहां पर जाने के बाद 7 ऋषियों की जो गुफा होती है, हम लोग उस गुफा में बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और वहां का नजारा देखेंगे और आप लोग को भी वहां का वीडियो दिखाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, ये तो हमने आपको पहले भी देखा था, मार्तंडे कुंड। जी हाँ, ये वही मार्तंडे कुंड है जहाँ पे जो एक 13 साल के बच्चे को मतलब कि भगवान ने दिया था कि आप मात्र 13 साल के ही जियोगे, उसके बाद 13 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वही मार्तंडे है जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे ज्यादा आयु मांगे थे, वही मार्तंडे कुंड है यहाँ का। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत अच्छा अच्छा स्नान है, बहुत अच्छा अच्छा जगह देखने को मिलने को मिलेगा, और बहुत मतलब बहुत ही जगह अच्छा है। आप लोग राजगीर आओ और यहाँ का लुफ्त उठाओ। देखो तो हमारे फ्रेंड्स लोग वहाँ पे जो हैं अभी रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही रेडी हो जाते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि सप्तवर्णी गुफा में जाने वाले हैं, और जो सप्तवर्णी गुफा है फ्रेंड्स वो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जो ऊपर पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, वो जो सबसे ऊपर दिख रहा है वही आपके सप्तवर्णी गुफा है। हम लोग उसी गुफा पे जाने वाले हैं और वहाँ पे क्या है उस चीज को हम लोग देखने वाले। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल को साथ बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, लाल बटन को दबाइए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पे बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके घंटा दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे ब्लॉग चैनल को देखें। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो दिखाता रहूंगा। आज राजगीर आया हूँ, कल कहीं और जाऊंगा, मैं आपको बहुत जगह दिखाने वाला हूँ।